बाहर से आए हुए अतिथिगण और मेरे सभी अध्यापक जन एवं अध्यापकाएं और मेरे सभी मित्रों, इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। नायक का चरित्र सही नहीं है, एक वो जो इतिहास रटने में जिंदगी बिता देते और एक वो जो इतिहास रचने में अपनी जिंदगी बिता देते। इतिहास केवल जिद्दी आदमी ने रचा है। कोई भी संस्था अगर सफल हुई है, कोई भी इंडिविजुअल अगर सफल हुआ है, कोई भी बड़ा परिवर्तन आया है, तो उसके लिए एक आदमी को अपने अंदर जिद लानी पड़ती है। दशरथ मांझी कितनी बड़ी कठिनाई में थे, जिनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। दशरथ मांझी की पत्नी लेबर पेन के कारण वो पहाड़ जो 55 किलोमीटर का था उसे पार नहीं करा पाए, उसे अस्पताल लेकर नहीं जा पाए। उस आदमी को जिद आ गई, 22 साल लग गए 55 किलोमीटर के पहाड़ को और एक छेनी हथौड़ा लेकर तोड़ डाला। एक सोच मोटिवेशन का होता है, बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम ही वो ताकत है जो आदमी को कुछ भी कराने के लिए तैयार कर देती है। आप जानते हैं मंडेला 27 साल जेल में पड़े रहे, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई इंसेंटिव नहीं। बिलीफ सिस्टम बड़ा पावरफुल था। गांधी एक बड़ा परिवर्तन क्यों लेकर आए, क्योंकि पहले दर्जे की टिकट साउथ अफ्रीका ने अंग्रेजों ने धक्का देकर बाहर निकाल दिया। बोला कि तेरे को हक नहीं है पहली टिकट लेकर के पहले डब्बे में सफर करने का। गांधी ने कहा कि मेरे पास टिकट है, वो बोला तू इसमें नहीं बैठ सकता, चल बाहर निकल। गांधी ने क्या जवाब दिया कि तुमने मुझे ट्रेन से बाहर निकाला, कम बैक टू माई कंट्री, आई सो यू, मैं तुम्हें पूरे देश से बाहर निकाल दूंगा। एक आदमी कभी भी इतिहास रचता है किसी जिद के कारण रचता है, किसी बिलीफ सिस्टम के कारण रचता है। यह बिलीफ सिस्टम कमजोर भी हो सकता है, मजबूत भी हो सकता है, ऑर्डिनरी भी हो सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हो सकता है। मैरी कॉम जो बचपन से कितनी तकलीफों के साथ पली बढ़ी, उसने एक दिन नॉर्थ ईस्ट के एक लड़के को एशियन गेम जीतते हुए देख लिया, उस दिन उसको जिद आ गई। बहुत बड़ी हो चुकी थी, आज दिन तक कभी बॉक्सिंग नहीं की, उस दिन उसको जिद आ गई कि मैं अपने स्टेट का खुद नाम रोशन करूंगी। उसने तो कमाल ही कर दिया। लोग जब भी कमाल करते हैं किसी जिद के कारण करते हैं, किसी बिलीफ सिस्टम के कारण करते हैं। ऑर्डिनरी मेंटालिटी के लोग ऑर्डिनरी जीवन बिता करके मर करके चले जाते हैं, उन्हें संसार से कोई नहीं पूछता, केवल आदमी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम आती है। ऐसा कोई हिंदुस्तानी जो भगत सिंह के बारे में न जानता हो, उनकी माँ ने बोला, उनके पिताजी ने बोला, बेटे तेरी शादी तय हो गई है, कानपुर चिट्ठी लिख करके भाग के छोड़ गए। बोले कि मैंने अपना यह शरीर आज अपने देश को दे दिया, बहुत बड़े कारण, एक लड़की को नहीं देना चाहता, पूरे देश को देना चाहता हूं। एक आदमी तभी बहुत बड़ा काम कर सकता है जब वो जिद्दी हो जाए। आप देख लीजिए, चाहे वो लिंकन हो या गांधी हो या टेरेसा हो या फिर बच्चन हो या मंडेला हो, हर आदमी की जेब में संघर्ष का परिश्रम है। इफ यू डोंट हैव यू टू हेल्प योरसेल्फ, नोबडी इन द कैन यू टू हेल्प योरसेल्फ। मैं उस लड़की के बारे में सोच रहा था, मलाला इज़दाई, उसने एक दिन टीवी का इंटरव्यू 12 साल की उम्र में क्या बोल दिया, तालिबान की क्या औकात जो हम लड़कियों की पढ़ाई रुकवा दे। और वैसे भी आज महिला दिवस है, मैं उसके समर्थन में बोलना चाहता हूँ, एक दिन टीवी का इंटरव्यू में उसने क्या बोल दिया, तालिबान की क्या औकात जो हम लड़कियों की पढ़ाई रुकवा दे, ये उनका अधिकार नहीं है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। 2013 में सभी लोग आप जानते हैं क्या हुआ, एक तालिबानी उठा, बंदूक लेके उसके स्कूल बस के अंदर घुस गया और बोला कि कौन है मलाला, वो बोली मैं हूँ मलाला, 3 गोलियां मारी उसके सर से निकल के उसके फटके कंधे में आ गई। खैर छोड़िए, आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके 12 साल के भाई बहनों में, सोचिए 12 साल के बच्चे को 3 गोलियों से मार दो और उसने अपने आंदोलन को और तेज कर दिया। नोबल पीस प्राइज, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड उस लड़की को मिला इतनी छोटी सी उम्र में। जो आदमी बड़ा सोच सकता है वो बड़ा कर सकता है। आप जानते हैं, अपनी जिद को बड़ा करना सीखो, अपनी जिद को पालना सीखो। जिस दिन आपके अंदर इतनी हिम्मत आ गई, आप अपनी जिद को बड़ा करके पाल गए, उस दिन आपके लिए सफलता के नए रास्ते खुल जाएंगे। यदि आपके लिए रास्ते नहीं खुले तो आप अपना रास्ता खुद बना लेंगे। मैं दो लोग और हैं जिनके जीवन से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। हमारे देश के मुसलमान नाविक के बच्चे हुए, वो शुरू से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे, साइंटिस्ट बन गए, डीआरडीओ छोड़ दिया, इसरो में चले गए, नासा में जा सकते थे नहीं गए, क्योंकि देश की सेवा करना चाहते थे। एक के बाद एक ये कई मिसाइलें बनाते चले गए, दुनिया को दिखा दिया कि भारत के पास भी साइंस की ताकत है। पीएचडी करना चाहते थे नहीं कर पाए, बाद में दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज ने इनको पीएचडी की डिग्रियां दे दी, जिनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चाणक्य पंडित धनानंद ने उनसे बोला, धनानंद एक ऐसा राजा था भारतवर्ष में जो कि प्रजा से कर लेता था, चूहे संडे लॉटरी याद में गवा देता था। धनानंद को चाणक्य ने उनसे बोला, हे राजन,
ये प्रजा से लिया धन समाज की सेवा में लगाना चाहिए, ना कि जुए सट्टे लॉटरी में गवाना चाहिए। तो धनाधन को यह बात पसंद नहीं आई, उसने भरे दरबार में चाणक्य से बोला, निकल जाओ यहाँ से। चाणक्य जब नीचे गिरे तो उनकी शिखा खुल गई, उनकी चोटी खुल गई। चाणक्य जब उठे तो उन्होंने एक संकल्प लिया, जब तक कि तेरे समस्त साम्राज्य को समाप्त करके एक अखंड भारत का निर्माण नहीं कर दूंगा, तब तक के अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। चाणक्य अपनी अखंड भारत का निर्माण करना चाहते थे, उनके एक महान लक्ष्य के साथ चले थे। छोटा सा बच्चा था चंदू, चंदू को चाणक्य ने चंद्रगुप्त नाम दिया, और उसकी माँ मूरा को मौर्य डायनेस्टी का नाम दिया। एक महान लक्ष्य के साथ चले थे वो, और उन्होंने एक अखंड भारत का निर्माण कर दिया। जो आदमी बड़ा सोच सकता है वो बड़ा कर सकता है, छोटी सोच और पांव की मोच इंसान को दूर नहीं जाने देती। थैंक यू।